जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दूस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुर्तकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों की राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं,
और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तक वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गागा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण है जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण तीन जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भ्रम कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा।
पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि ब्रह्म करने को जाओ। यह सुनकर मणिध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामग्नि को भड़काने वाली तीन प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं, जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए।